तो गाइज आप लोगों को अपने रूम के बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। देख रहे हो भाई, भाई अपनी ऐसी खेती होती ना, मज़े आ जाता भाई। एंड ही नहीं दिख रहा इधर तो, इधर की तरफ तो चलो पता लग जाता। सामने की तरफ जो स्कॉर्पियो खड़ी ना, इसके बराबर भी रोड है, तो इधर से आगे की तरफ कम से कम 200-150 मीटर आगे की तरफ ये जमीन है। पीछे का नहीं पता लग रहा भाई कहाँ तक जा रही है। और गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई सब कैसे हो? मस्त हो? मैं मस्त हूँ। और भाई देख रहा हूँ हेयर स्टाइल पर यार कमेंट करके बताना। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों से पूछा ही नहीं, वो तो मैंने अभी ध्यान गया रेडी होते हुए। मैंने कहा यार सही लग रहे हैं बाल बाल। सुबह जब उठे तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था, उसकी वजह से भैया ने रात में बता दिया था कि भैया सुबह थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी आप लोगों को, कि आपको रूम चेंज करना पड़ेगा ऊपर। तो इसी वजह से हम ऊपर वाले रूम में आ गए थे। बस अब यहाँ से निकलेंगे जल्दी से। हाँ भाई ये देखो कैसा दिखा रहा है। शैम्पू का क्या करेगा? दरवाजा तो खोल, दरवाजा खुला छोड़ाई। तो गाइस बोलो मुझे शैम्पू देते ले। अच्छा ले। तो गाइस अब यहाँ से निकल ले, चेकआउट करते हैं और फिर उसके बाद हाँ इधर से रास्ता। तो ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, और हमारा जो होटल था ये था DM2 होटल था। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। ओह पूरी तेजी चल रहा है, और देखते कल हमने अपनी गाड़ी की थी 335 किलोमीटर कल हमारी गाड़ी चल गई थी। और अब कर देते हम अपना ट्रिप मीटर जीरो, देखते कितना आज हम चलेंगे, क्योंकि आज तो हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ही चलेंगे, क्योंकि लोकल में घूमना है और हमारी गाड़ी जो एवरेज आई थी 21.4 की एवरेज आई। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा आप लोगों को कहीं जहाँ अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस अपना खाना आ गया है, ब्रेकफास्ट में अपना पराठा आलू प्याज का, और ये है चाय और ये है दही। तो जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं। गाइस अभी यहाँ से निकल गए ब्रेकफास्ट करके, और सामने की तरफ इसी रोड में भाई पड़ता है मूसे की हवेली। और सामने की तरफ आप लोगों को देखो चेकिंग दिखाता हूँ, देख रहो वो मुझे लग रहा हवेली तो भाई यही है जहाँ भीड़ हो रही। भाई बहुत भीड़ है यहाँ तो। तो गाइज ये है भाई सिद्धू मूसे वाले की हवेली, और गाड़ी पहले पार्किंग में लगाते हैं, देखते हैं कहाँ गाड़ी हमें लगानी है। ये है सामने की तरफ सिद्धू मूसे वाले की हवेली। बाकी भाई यहाँ पे आप गाड़ियाँ देखो, बस यहाँ पे ये जो गाड़ियों का क्राउड दिख रहा है ना भाई, ये इसलिए है कि भाई की हवेली पर लोग आता है और संडे के दिन ही बस खुलता है। और सामने भाई ये भीड़ देख रहे हो। और मुझे लग रहा है सामने टिकट विकेट का कोई सीन है, देखते हैं बाकी अभी आगे जाके पता लगेगा टिकट का सीन है नहीं है, तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं अंदर की तरफ। यही रहते हो? अच्छा, अंदर का सीन पता है क्या है सिस्टम अंदर जाने का? आओ नाम लिख के अभी कितना नाम लिखवाना है। हाँ। कहाँ पर? उस साइड पे, वहाँ पर नाम लिखवाना है। एंट्री किधर से होगी फिर हमारी? अच्छा उधर ही नाम होगा, उधर ही एंट्री। ठीक है चलो भाई। तो गाइज अंदर जाने के लिए भाई अपना नाम लिखाना पड़ेगा। ओह यहाँ पे नाम लिखाना है, फिर इधर से ही एंट्री है। दूसरा ये भाई सामने की तरफ देखो सिद्धू मूसे वाले भाई की फैमिली का फोटो। हमारी अभी हुई है अंदर की तरफ एंट्री, और सामने की तरफ ही खड़ी है सिद्धू भाई की गाड़ी 0008 फॉर्चुनर। और ये आपको पास से दिखा देता हूँ आगे जाके, क्योंकि आगे तो वैसे काफ़ी क्राउड भी है, फोटोशूट भी चल रहा है लोगों का। ये सिद्धू भाई की गाड़ी, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं अभी करंट में हुए हैं, थार के साथ साथ इसमें भी कुछ हुए हैं, जैसे कि इसमें अलॉय व्हील चेंज हुआ है अभी फिलहाल इसमें, और इसमें टायर साइज चेंज हुआ, अपग्रेड हुआ है, और फ्रंट की इसकी ग्रिल चेंज हुई है। ये जो लगी हुई है ना, ये ग्रिल इसकी चेंज हुई है। पहले जो अलॉय व्हील थे वो थे वाइट कलर के, सिल्वर कलर के जो आते थे ना वो थे इसमें, अब है ब्लैक और सिल्वर का टचअप है। और फुल्ली बुलेट प्रूफ कार थी ये सिद्धू भाई की, बट उस दिन किस्मत वाली बात थी कि वो अपनी इस गाड़ी को लेके नहीं गए थे। शीशा आप लोगों को देखकर पता ही लग रहा होगा कितना मोटा कांच है इसमें लगा हुआ, और अंदर से कुछ ऐसी भाई की गाड़ी थी। मैं दिख रहा हूँ इसमें, तो दिख रहा है हाँ, तो इसमें चाबी भाई की पड़ी, और ये अंदर से कुछ ऐसी थी। बैकग्राउंड की बात की जाए तो भाई पीछे से अपनी गाड़ी ऐसी है सिद्धू भाई की गाड़ी, तो ये है। और ये है सामने की तरफ गाड़ी सिद्धू भाई ने जो अपने फादर के लिए ली थी, जो जब वो मतलब इतने कैपेबल नहीं थे कि इस गाड़ी को ले ले, तो उनका एक ड्रीम था कि वो अपने फादर के लिए गाड़ी ले, तो उन्होंने एक गाड़ी ली थी भाई सेकंड हैंड, और फिर इस पर 4-5 लाख रुपये उन्होंने लगा के इसे मॉडिफाई करा के अपने फादर को दी थी। और इसका ब्राउन विंग नाम है सामने की तरफ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये गाड़ी की आप लोगों को दिखाता हूँ आगे की तरफ से, और थोड़ा सा अंदर की तरफ से अगर पॉसिबल होगा भाई। यहाँ तो डॉग ही है तो यहाँ से दिखा देता हूँ जितना पॉसिबल होगा। ओहो डरा दिया, चलो चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई, थोड़ा सा रिस्क था उधर जाना। और ये था मास्टरमाइंड, यूज होता है यूज नहीं होता भाई, देख लो जाले लग चुके हैं, बट अब ये ना लोगों को दिखाने के लिए अब यहाँ पे परमानेंट खड़े कर दिए सिद्धू भाई के फादर ने, जिससे लोग बाग आए, क्योंकि भाई इतनी फैन फॉलोइंग है और वो चाहते नहीं है कि बिल्कुल भी कोई गाड़ी को कोई भी कहीं से कहीं तक कोई नुकसान हो। सामने इधर बैठे भाई सिद्धू भाई के पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों, और ये देखो भाई तीन पूरे 11 महीने बच्चे हो गए।
परंतु जस्टिस दी गल्लां जिहड़ियां जिथे खड़ियां ने उत्थे खड़ियां ने। हुण तां जस्टिस देण दी गल्ल तां छड्डो, हुण तां इहनूं नप्पण दीआं कोशिशां, इहनूं भुलाउण दीआं कोशिशां शुरू हो गईआं ने। उत्थे अटक के जिथे शूटरां दे उत्ते खड़ी सी गल, उत्थे खड़ी आ, उत्तों इक मासा भर दी अगे नहीं बढ़ी है। तो सगों ज्यों ज्यों लोगों के विच जांदे आ, लोग सवाल पुछदे आ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। तो गाइज फाइनली स्पीच कंप्लीट हो गई है सिद्धू के पेरेंट्स की। वो अभी तक अभी सामने की तरफ हवेली में सामने चले गए, और हवेली में जाना अलाउ नहीं है तो हम अंदर जाएंगे नहीं। और सामने की तरफ सिद्धू के कुछ फ्रेंड्स हैं जो भाई भाई रोना रो रो के इनका बुरा हाल है। बीच में जो लड़की है इसके साथ एक लड़की और है, एक लड़की और थी इनके साथ ही, दो तीन बहनें हैं या कज़न जो भी होगा। तो ये सब भाई बहुत बुरा हाल है इन लोगों का, और बाकी इनके पेरेंट्स भी इनके साथ जो रो रो के उनका भी बुरा हाल है। चलो अभी हम आगे की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं बाकी नज़ारे। सामने की तरफ 5911 5911 का आप लोगों को पता ही होगा, सिद्धू मूसेवाला का सबसे फेवरेट ट्रैक्टर था ये। हमेशा भाई बाहर लेके निकल जाया करता था, फिर घूमने के लिए थोड़ा बहुत अगर ट्रैक्टर लेके जाना था वो ये लेके जाया करता था। और सामने की तरफ जिप्सी, जिप्सी में कुछ काम हो चुका है, टायर वायर इसमें डल चुके हैं, नए हो चुके हैं, और पेंट वेंट होके इस पर, और जो इस पर निशान डले हुए हैं उन्हें छेड़ा नहीं गया, वैसे का वैसे ही रखा गया। बाकी मैं पीछे की तरफ जा नहीं सकता, उस सामने की तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा ना यहाँ पे जो मार्क दिखाई देना वाइट वाइट, ये सब गोली के निशान है, जो कि छेड़े नहीं गए हैं, ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि ये एक केस में आ चुकी है गाड़ी, तो इसलिए इस गाड़ी को ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो नॉर्मली रखा गया, बस टायर ही चेंज हुए इसके। और बोनेट पर भाई देखो कितना बड़ा निशान दिखाई दे रहा है, और शीशे पर आप लोगों को दिख ही रहे हैं। तो यही है भाई का भाई का गाय का कार कलेक्शन। और मेन और इसमें एक चीज़ और कि ये जब से गाड़ियाँ सिद्धू भाई की, सिद्धू भाई गए इस दुनिया से, वैसे तो सभी भाई सिद्धू भाई अब सबके दिल में है, पर दूसरी चीज़ ये कि ये गाड़ियाँ ना, ये ट्रैक्टर सब एज इट इज़ ऐसे ही खड़े हैं, इन्हें कोई छेड़ा नहीं जाता। बस ये गाड़ी जब थाने में खड़ी, थाने से ये ठीक हो, एक घर पर आई, घर पर आने के बाद ये ठीक होके वापस अब ये यहीं खड़ी कर दी गई है। और दूसरा ये यहाँ पर जो जीप वीप खड़ी, जो चीज़ जैसे थी वैसे ही छोड़ दी गई है। और बस अभी यहाँ पे जो मेन गाड़ी हिलती है वो सिद्धू भाई की फॉर्चुनर है जो ब्लड प्रूफ है। तो बस यही सीन है कुछ। से निकलते हैं और सभी लोग जा भी रहे, स्पीच भी कंप्लीट हो गई, तो बस अब आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सिद्धू भाई का पुराने वाला घर दिखाते हैं यहाँ से निकल के। भाई ये क्राउड देखो बाहर की तरफ जो अभी तक खड़ा हुआ था, क्योंकि एक साथ सभी लोगों को अंदर नहीं भेज सकते, तो इतने सारे लोग अभी यहाँ पे हैं, बाहर की तरफ जमा हो चुके हैं, और अभी इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये सीन है कुछ भाई सिद्धू भाई की फैन फॉलोइंग का, बहुत ही प्यार करते हैं लोग, और आज भी इतना प्यार करता है। आप लोगों को मैंने दिखाई दिया अंदर मोमेंट कैसा था, इमोशनल वाला हो गया था भाई, बाहर से लोग आए हुए, वो भी रोने के लिए, मतलब उनके पेरेंट्स का तो हाल बुरा है ही, चेहरे से दिख जाता आदमी के कि वो उसने क्या खोया। बाकी जो फैंस थे ना भाई उनका भी बुरा हाल था। को वो एक घर दिखा देता हूँ जहाँ सिद्धू भाई पे पूरी नज़र रखी जाती थी। सिद्धू भाई का घर है ये सामने की तरफ, और ये है वो घर जिस घर से सिद्धू भाई पे निगाह रखी जाती थी। और घर देख कर कोई कह नहीं सकता इसमें कैमरे का कोई काम है नहीं है, बट इस पर कैमरे लगे हुए हैं भाई, एक कैमरा नहीं है, एक दो तीन कैमरे लगे हुए हैं। बट आप लोकल ही हो? अच्छा, सिद्धू भाई के यहाँ खेत वेत इधर ही है या कहीं और है? इधर भी है, उसके आगे भी है, बहुत है यार, 103 किले हैं। 103 किले? अच्छा अच्छा, और वो कहाँ पर है सिद्धू भाई की जो स्टैचू बनाई हुई है आगे, वो समाधि उधर ही है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, रोड क्रॉस करके चौराया इधर पुराना घर है। कितना आगे जाना पड़ेगा? थोड़ा सा ही आगे। सीधा आगे जाके मतलब कैसे? बिल्कुल वहीं घर पे ही निकलेंगे क्या सीधा? ठीक है, धन्यवाद भैया। तो सिद्धू भाई का भी चलते हैं भाई, तो गाइस अभी चलते हैं सिद्धू भाई के घर पे, और क्योंकि अभी इधर जाके फिर हमें वापस आना पड़ेगा। तो अच्छा, आप जा रहे हो उधर? तो गाइस अभी जा रहे हैं सिद्धू भाई के घर, आप लोगों को बताई दिया था। और ये सामने जो बुलेट जा रही है भाई, ये सिद्धू भाई के फैन है, और ये इन लोगों ने हमसे बोला कि यही रहते लोकल में,
तो ये बोलने लगे आपको सिद्धू भाई का घर जाना। मैंने कहा अगर आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ हम भी वहीं लगे आप लोगों को वहीं छोड़ आते हैं। भाई यहाँ पर है सिद्धू भाई का घर और भाई देख रहे हो यहाँ भी लोग आ गए हैं। सिद्धू भाई देखो देख रहे हो इंसान चला गया पर भाई उसका प्यार नहीं खत्म हुआ लोगों के दिल से ना। तो ये एक बड़ी चीज़ रहती है कि इंसान का नेचर ही इंसान को जाने नहीं देता। ये है भाई सिद्धू भाई का घर सामने की तरफ और सिद्धू भाई का प्यार है जो आज भी वो लोगों के दिल से नहीं जा रहा है। और आप लोगों को एक बार अंदर की तरफ दिखाता हूँ। वैसे तो पूरा बंद है। ये जो राइट साइड में आप लोगों को जहाँ दिख रही है यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा मस्टैंग जी वैगन और रेंज रोवर दोनों गाड़ियाँ आप लोगों ने यहाँ देखी होगी। और आज तो ये घर भाई बंद हो गया और सुना सुना हो गया ये मोहल्ला भी। और इस गाँव में सबसे पहली भाई मस्टैंग गाड़ी सिद्धू भाई थे जो लेकर आए थे। और आप लोगों को इसका बैकग्राउंड दिखाता हूँ साइड से व्यू दिखा देता हूँ घर का। तो ये है भाई सिद्धू भाई के घर का साइड से व्यू जो कि पूरा बंदी है अब तो इसमें कुछ कोई रहता नहीं है यहाँ पे। और सिद्धू भाई के भाई भाई प्यार देख ही रहे हो। तो ब्रो यहीं रहते हो आप? यहाँ नहीं रहते? कहाँ से आए हो? कहाँ जलंधर से आए हो? तो सिद्धू भाई का प्यार इतना यहाँ तक लिया अकेले ही? नहीं नहीं तो अच्छा साथ में बंदे। अच्छा 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 अभी मैं यहाँ पे बाबू जी से बात करता हूँ। एक भाई हमें मिले यूट्यूबर ही है तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बताओ भाई अपने चैनल का नाम MP4 व्लॉग्स ब्रे। अच्छा अपना नाम है तो आप क्या करते हो उसमें चैनल पे? व्लॉग्स बनाने जी। अच्छा डेली लाइफ। अच्छा डेली लाइफ दिखाते। तो भाई भाई को जाके प्यार करना सपोर्ट करना अपना और बिल्कुल बिल्कुल। और जो जो भाई जाके सब्सक्राइब करे भाई कमेंट करके भाई को क्राफ्टी दृश्य नाम करके बता देना कि भाई की तरफ से प्यार मिला। तो गाइज ये वो एक जगह है जहाँ पे भाई सिद्धू भाई डेली अपनी लाइफ आके स्टार्ट करते थे। मतलब अपने ये सिद्धू भाई के बाबूजी बैठे हुए जहाँ पे अभी हम बैठे हुए थे और काफ़ी देर तक हमने बात की। गोलू रिकॉर्ड कर रहा था, गोलू के हाथ में मैंने फ़ोन दे दिया था कि गोलू कुछ पार्ट रिकॉर्ड कर ले, कुछ मूवमेंट रिकॉर्ड कर ले, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा था इनसे बात करके। सिद्धू भाई के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। यहाँ पे इसी खाट पर आके वो डेली बैठ जाया करते थे बाबूजी के साथ। वो अपनी हवेली पे जाके रहना स्टार्ट किया था, मुश्किल से 10 से 15 दिन ही हुए थे उन्हें यहाँ से गए हुए। और बस फिर पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ माहौल बन जाएगा, ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी कि आज सिद्धू भाई हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनके इतने लाखों करोड़ों फैन है कि अपने इंडिया ही नहीं भाई पाकिस्तान से भी पता लगा कि पाकिस्तान से भी 4 बंदे आए थे। बाबूजी बता रहे थे, बाबूजी ने भी बताया कि 4 बंदे आए थे पाकिस्तान से सिद्धू भाई के फैन ही थे। मतलब बाहर के लोग, अपने इंडिया छोड़ो अपने देश से बाहर के लोग यहाँ तक आ रहे हैं। पहले जब हवेली से बाहर की तरफ आएंगे, हवेली सामने की तरफ है, उधर से बिल्कुल सीधे वाला सीधा इस रोड पे आना है, चौराहे पे जब आ जाएंगे तो उधर से भी सीधा ही आना है। तो सीधा आने के बाद सामने की तरफ वहाँ जो भीड़ आप लोगों को दिखी रही है तो वहाँ पे है सिद्धू भाई का स्टैचू, तो वहाँ और चलते हैं। और भाई सामने की तरफ मार्केट लगी रही है तो सिद्धू भाई गए हैं पर भाई भूतों के परिवार बना के चले। सामने की तरफ सिद्धू भाई की स्टैचू आप लोगों को, तो आप लोगों के पास जाके दिखाता हूँ। तो ये भाई सामने की तरफ स्टैचू बनी हुई है सिद्धू भाई की और सिद्धू भाई का स्टाइल भी है बिल्कुल, ये देखो। और यहाँ पर आप लोगों को क्राउड दिख रहा है भाई, देख रहे हो कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं। और सामने की तरफ 59-11 ट्रैक्टर दिख रहा है आप लोगों को सिद्धू भाई का फेवरेट। और ये देखो भाई सामने की तरफ क्राउड गाड़ियाँ, आप लोगों को सामने की तरफ गाड़ियाँ देख ही रही है कितनी गाड़ियाँ आ रही है। मतलब यहाँ ना मतलब एक तरीके से एक रेगुलर ही रहता है यहाँ पे ना, एक भी दिन ऐसा नहीं रहता कि इतनी भीड़ ना आती हो। डेली काफ़ी भीड़ आती है, काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि संडे में खुलता है, संडे के वाले दिन ही हवेली खुलती है पर संडे वाले दिन ही संडे से अलग भी काफ़ी लोग आते हैं जिन लोगों को नहीं पता होता कि हवेली किस दिन खुलती है। पर गाइस अब निकल गए मानसा के लिए। मानसा में सिद्धू भाई का जहां सिद्धू भाई के ऊपर अटैक हुआ था उस जगह को उस जगह पे जा रहे हैं तो सीधा आप लोगों से उसी लोकेशन पे मिले। तो गाइस लोकेशन तो यही है, यहाँ पर आप लोगों को मार्केट दिख भी गई, छोटी सी मार्केट बना रखी है। ओहो यही है क्या? ओह अबे यार इसने यही लगा दी, थारी लगा दी उसी लोकेशन पे। तो अभी दिखाता हूँ वो मार्क कौन सा है जहाँ पे सिद्धू भाई पर अटैक हुआ था। ये है वो लोकेशन जहाँ पे सिद्धू भाई पर अटैक हुआ था और यहाँ पे आज प्रॉपर तरीके से आप पट्टी खींच दी गई है क्योंकि ये निशान जैसे ही मिट जाया करता था और सिद्धू भाई के फैन इतने सारे कि वो बाबा आके यहाँ पे निशान बना दिया करते थे। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने कराया, सिद्धू भाई के फैंस ने करा
कि यहाँ पर ना पट्टी वाली खेती, जो रोड के किनारे पे पट्टी होती है ना, तो वाली प्रॉपर तरीके से ऐसे चाकोर बॉक्स में एक बना दिया है कि यहाँ पे वो एक हादसा हुआ था जैसे दुबई को गोली मारती, और यहाँ पे कुछ गोलियों के निशाने सामने की तरफ लगे हुए हैं। तो देखो ये सामने की तरफ के जो मार्क बने हुए हैं ना, ये सब होल बने हुए हैं, ये तो सब छोटे छोटे होल हैं, बाकी आप लोगों को मेन होल दिखाता हूँ मैं जो सामने की तरफ दीवार पर बने हुए हैं। वो जगह है सामने की तरफ, ये मंदिर की दीवार है जिसपे भाई गोली लगने की वजह से छेद हो गया। अब तो प्रॉपर तरीके से इन्होंने फाइबर है कांच है, अच्छा फाइबर की सीट लगा रखे जिससे ये निशान मिटे ना। और ये देखो भाई होल देख रहे हो, मेरी उंगली देख रहे हो, मेरी उंगली से भी ये बड़ा छेद हो रखा है। इवन भाई ये जो बीम है ना, इस बीम में भी मेरी उंगली ना तीन चार उंगलियां चली जाएंगी पूरा, मतलब ये मान लो तीन चार उंगलियां चली जाएंगी ऐसे करके, इतना बड़ा ये छेद है, गोली का निशान हो चुका है यहाँ पे। ये वो वीडियो है जिसमें सिद्धू भाई की गाड़ी जा रही है और इसमें पीछे से अटैक होता है और इसमें गोलियों की अभी आवाज आएगी। तो देखो आप लोगों को देखता हूँ कि आवाज आती है, तो ये वो आवाज है जब सिद्धू भाई पर अटैक हुआ था। सामने भैया एक बैठे थे, उन्होंने वीडियो दिखाई जो सिद्धू भाई पे जब अटैक हुआ था, और उन्होंने एक अभी सामने की तरफ ये गेट बताया जिस पे गोली लगने की वजह से छेद हो गए हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये सामने वाला गेट है जिसपे ये देखो दो छेद हो गए हैं, तो यहाँ के लोकल के बंदे से बात करने के बाद चीज़ें पता लगती है। तो ये वो छेद है भाई, एक तो ये हो रखा है छेद और एक ये हो रखा है, और देखो यहाँ पे गोली लगने की वजह से कितना बड़ा डेंट, यहाँ पे डेंट आ गया, और एक ये छेद यहाँ पे गोली लगी थी तो इसमें भी डेंट, ये छेद हो गया। और ये वो गली है जहाँ से भाई सामने की तरफ से सिद्धू भाई आए थे उन पर अटैक, इस साइड से सिद्धू भाई आने के बाद ये लोकेशन तो आप लोगों को याद आ गई होगी ये जगह देख के, कि इधर से सिद्धू भाई आगे की तरफ गए थे, और इधर से आगे जाने के बाद वो वीडियो इस साइड से कहीं से कैप्चर हुआ था। सीसीटीवी कैमरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट इधर कहीं सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है। चलो अभी फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा सीसीटीवी कैमरा यहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो इधर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद, वो यहाँ पे जैसे ही इधर लेफ्ट टर्न लेते हैं तो सिद्धू भाई पे हमला होता है, जो उनके आगे पीछे की तरफ गाड़ियाँ होती है। और यहाँ मैंने आप लोगों को एक गेट ये दिखा दिया, एक मंदिर की दीवार अपने आप लोगों को दिखा दी जहाँ उन पर अटैक हुआ था, और वो एक घर है जहाँ पे ये मारुति गाड़ी के आगे के जस्ट आगे ही गाड़ी खड़ी थी सिद्धू, जहाँ उन पर अटैक होना स्टार्ट हुआ तो उन्होंने गाड़ी रोक के हमले कोशिश करा खुद को बचाने के लिए, दूसरों पर भी मतलब उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए अटैक करा। तो यहाँ पे भी कुछ पिस्टल से भी जो अटैक हुए थे वो इस दीवार पे निशान है, बाकी जो उनके पास बड़ी मैगजीन्स थी, बड़ी बंदूक थी, उससे जो छेद हुआ वो सामने दीवार पे और वो गेट पे सामने की तरफ। यही कुछ स्टोरी थी भाई सिद्धू भाई की, और यही वही कुछ लोकेशन थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, जहाँ जहाँ अटैक हुआ, जो उनका घर कहाँ तक, उनका घर और अपनी हवेली में वो आने से, हवेली आने के 10-15 दिन ही हुए हवेली में, और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। तो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को ये ज़रूर बता देना भाई कमेंट करके, सिद्धू भाई के बारे में आप लोगों को, सिद्धू भाई के बारे में आप लोगों को जानकर कैसा लगा कैसा नहीं, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा ये बताना है आप लोगों को। और सिद्धू भाई के परिवार से आप लोगों को मैंने मिला दिया, और वो गाड़ी दिखा दी आप लोगों को जिसपे सिद्धू भाई के हमला किया था, वो जगह भी दिखा दी जहाँ उन पर हमला हुआ था, और वो स्पॉट भी दिखा दी जहाँ जहाँ गोलियों के निशान है, आज भी निशान है उन गोलियों के, और लोगों उन निशानों को आज भी मार्क किया हुआ है, तो वो तो मिटेंगे नहीं, पता नहीं आगे कभी मिट पाएंगे नहीं मिट पाएंगे। पर आप लोगों से बस एक ही विनती है कि एक ही रिक्वेस्ट है कि एक तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जस्टिस फॉर सिद्धू लिख देना, दूसरा है कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा वो बता देना मेरे को कमेंट करके। आज के ब्लॉग में इतना ही, जय हिंद जय भारत।